नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूँ तिलरवा में। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बाल मेला 2018 तिलरवा, और साथ ही साथ में मैं अभी आपको घुमाने वाला हूँ यहाँ पर जो लगे हुए हैं अलग अलग स्टूडियो वहाँ पर। और आज जो है वो मेले का दिन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलाई का स्टूडियो है, और स्टूडियो में आप देख रहे हैं कि अलग अलग थैलियाँ भी है। और मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर बहुत सारे कुछ कुछ बच्चे हैं, कुछ पढ़ने वाले हैं, कुछ पढ़ने नहीं जाने वाले, और साथ ही साथ में समुदाय से भी कुछ लोग आए हुए हैं जो कि यहाँ पर देख रहे हैं और सीख रहे हैं कि यहाँ पर थैलियाँ और टोपियाँ कैसे बनाई जा रही है। इसी के साथ साथ मैं आपको अब धीरे धीरे लेके जाने वाला हूँ नाटक के स्टूडियो में। आइए देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। तो अभी मैं आपको लेके पहुँच रहा हूँ नाटक स्टूडियो में। नाटक स्टूडियो में शायद सब लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है और इनका नाटक भी थोड़ी देर में प्रस्तुत होने वाला है। इसके साथ साथ आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ तिलरवा के मेले में जो दो और स्टूडियो लगे हैं वहाँ पर। और जो दो स्टूडियो और हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खिलौने का स्टूडियो है, और खिलौने के स्टूडियो में शायद कुछ सिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मोर सिखाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो बना रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और स्टूडियो है जिसे आप देख सकते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है, आइए पढ़ते हैं सब मिलकर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कमाल कठपुतली, और आप बने हुए हैं आपके अपने दोस्त विनोद के साथ कोटडाटाइम्स.com में। और आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग और साथ साथ में बच्चे भी हैं जो स्टूडियो को भी देख रहे हैं, और साथ साथ में जो यहाँ पर चीज़ें सिखाई जा रही है उन्हें सीखने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो आप बने हुए थे आपके अपने दोस्त विनोद के साथ। इसी के साथ मैं फिर मिलूँगा और इस मेले की अपडेट देते रहूँगा। नमस्कार।